हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सेविया खीर। तो इसके लिए मैंने लिए 2 चम्मच चीनी, इसके लिए हमें लगेगा थोड़ा सा घी, और ये है सेविया, 1 बड़ा कप बॉईल किया हुआ मिल्क, ये इलायची ली है मैंने, बादाम और काले किशमिश। पैन अच्छे से गर्म होने के बाद मैं उसमें थोड़ा सा घी डालूंगी। सबसे पहले सेविया को हमें अच्छे से फ्राई करना है। घी अच्छे से गर्म होने के बाद उसमें सेविया डालनी है। अभी सेविया अच्छे से रेड होने तक फ्राई करनी है। अच्छे से सेविया फ्राई होने के बाद मैं एक बर्तन में उसे निकाल लूंगी। फिर से पैन गरम होने के लिए मैंने रख दिया है और उसमें थोड़ा सा घी डालूंगी। घी अच्छे से गरम होने के बाद उसमें मैं इलायची डालूंगी। इलायची थोड़ी सी फ्राई करनी है। वो फ्राई होने के बाद उसमें जो हमने बॉईल किया हुआ मिल्क लिया था वो डालूंगी। मिल्क को अच्छे से बॉईल करना है फिर से। और इसी में मैं अभी चीनी मिला लूंगी।
मिल्क को दो तीन उबाल आने के बाद मैं अभी इसमें सेविया मिला दूंगी। इसे हमें 5 मिनट अच्छे से पकाना है। थोड़े से अभी मैं ड्राई फ्रूट डाल लूंगी। सेविया डालने के बाद दो तीन उबाल आने के बाद गैस बंद कर देना है। ये सेविया बनकर रेडी है। तो आज मैंने आपके साथ सेविया रेसिपी शेयर की है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।